Hello children, this side Ma'am Varsha. Once again welcome you to your SST class, and this is the third lecture of Political Science, Fundamental Rights and Duties. Okay children, so in the previous lesson we have learned about why there is need for laws, and we also have learned the institution of democracy. Okay, we have learned about the constitution. Okay, so in this lesson we learn what is that, what are our fundamental rights, हमारे जो मूल अधिकार हैं वो क्या हैं, and implementation of the fundamental rights, implementation on how they came into the force and who do this, fundamental duties and their importance, हमारे मूल अधिकार के साथ साथ हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं देश के प्रति और उनकी importance क्या है, ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में विल कम टू नो दैट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू जस्ट हैव टू डू दिस स्टेप, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस. ओके, कंप्लीट द सेंटेंस, द प्रीम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एक. ओके, दिस पिक्चर इट इज़ व्हाट चिल्ड्रन, इट इज आवर प्रीम्बल. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न अबाउट द प्रीम्बल, हमारा जो संविधान है उसके फर्स्ट पेज पे हमारे देश का प्रीम्बल लिखा हुआ है, दैट इज़ इन हिंदी वी कॉल इट हमारा प्रस्तावना. ओके, सो दिस प्रीम्बल यू हैव टू कंप्लीट इट. देन व्हाट एम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर आउटलाइंड इन द प्रीम्बल, हमारे जो देश का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है जिसको कि हमारे संविधान का आत्मा, ओके, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. तो व्हाट इज़ द एम और व्हाट आउटलाइंड इज प्रीम्बल, तो वहाँ पर सभी के लिए जो हमारा देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष और सर्वपरि कानून को सर्वोपरि बताया गया है, धर्मनिरपेक्ष बताया गया है, साथ ही में उसको समाजवादी बताया गया है. ओके, यानी कि जो सोसाइटी है उसकी ग्रोथ करने वाला, एंड जस्टिस, जस्टिस हमने देखा है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ऑल फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ द country, and people are having the liberty of thoughts, expressions, okay, belief, faith and worship, equality of what, equality of status and opportunities, okay, and they can promote among them all, and fraternity yani khud ka aur samne wale ka hum samman rakhein, sath hi mein hum isse brotherhood ki jo feeling hai usko hum badha saken. So all these it is we have learnt through the preamble of the constitution. So let's begin this chapter. In the previous chapter we studied the aims and objectives of the constitution, okay, of India. This chapter we shall see how those aims and objectives have been realized through the provisions of the fundamental rights and fundamental duties, okay. फर्स्ट वी सी फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूल अधिकार क्या है. ओके, द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ह्यूमन राइट्स. ओके चिल्ड्रन, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं, आधारभूत अधिकार हैं, ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन किए गए हैं, दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडिया, इट ड्रॉ द इंस्पिरेशन फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार से. ह्यूमन राइट्स रेफर्स टू द बेसिक राइट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर एंटाइटल्ड टू इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्लास जेंडर रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ. देखो, ऑल ह्यूमन बींग्स यानि सभी लोग, बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी क्लास भेद के, बिना किसी जेंडर के, रिलीजन यानी किसी भी भेदभाव के प्रति, सभी ह्यूमन बींग्स, दोज हु आर द सिटीजन ऑफ द कंट्रीज. ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ एडुकेशन एंड हेल्थ, किसके प्रति, जीवन शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, है ना. दे आर बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ इक्वलिटी, इंडिपेंडेंस, डिग्निटी एंड फेयरनेस. During the colonial rule, when the British rule was there, almost all the citizens of India were denied their human rights. तो जितने भी citizen थे, भारतीय थे, उन सबको अपने जो उनके मानव अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया गया था, when during the colonial rule. Thus, while framing the constitution of India,
the leaders took utmost care to preserve and protect the human rights of the Indian citizen in the form of the fundamental rights. इसलिए जब हमारा संविधान लिखा गया तो जो हमारे भारत के जो नेता थे द लीडर्स हु टुक, हमने पढ़ा था ना बच्चों ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोज हु फ्रेम्ड आउट एंड फॉर्म्ड अवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्होंने देखा था, दे हैव सीन द कंडीशन कि हमारे जो भारतीय थे उनके जो मूल अधिकार थे वो भी उनसे छीन ले गए थे. तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया, उसके ऊपर बहुत केयर किया एंड दे प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स, है ना. और उन्होंने हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में उन्हें मेंशन किया है और सभी भारतीयों को उनके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. बाय.